पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन अंकुश अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव तथा क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व थानाध्यक्ष बल्दीराम ने हमराह तलाश वांछित वारंटी शांति व्यवस्था के थाना क्षेत्र में थे की अधिसूचना तंत्र विकसित करते हुए पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जमीनी सूचना विकसित करने पर ज्ञात हुआ कि रंजीत यादव व इनके साथियों की इनके विरोधी जगन राय उर्फ जग्गा बीच पुरानी खूनी रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश में जग्गा अपने साथियों के साथ रंजीत यादव के घर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा है। थाना बल्दीराया पुलिस तत्काल रंजीत यादव के घर की तरफ रवाना हुई। रंजीत यादव के घर के पास पुलिस पहुंची तो फायर व धमाके की आवाज आई। पुलिस टीम द्वारा अपराधियों की घेराबंदी की कर अभियुक्त जगन राय उर्फ जग्गा जो रंजीत यादव के घर से कुछ दूरी पर घायल अवस्था में मिला तथा 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से अवैध असलहे देशी बम बरामद किए गए। अभियोग उपरोक्त से संबंधित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है व अभियुक्त जगन राम उर्फ जग्गा के विरुद्ध इलाजोपरांत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। ये थाना बद्दी राय के गांव हेमनापुर में दो पक्ष हैं, एक रंजीत यादव के पिता महावीर जो फुलानी का चुनाव लड़ रहे हैं और एक इच्छानाथ की बहन है जो साधना यादव ये फुलानी का चुनाव लड़ रही हैं। दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि इनमें से कोई एक आदमी बैठ जाए ताकि उसका जो है वह सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में दबाव बनाने के लिए कल रात्रि के समय रंजीत यादव और इनके साथी तथा इनके विरोधी जगन नारायण उर्फ जग्गा के बीच में मारपीट लड़ाई हुई तथा बमों से हमला किया गया। इस सूचना पर पुलिस पहुंची और उन्होंने दोनों पक्षों के जो हमलावर लोग थे उनको गिरफ्तार किया तथा इन लोगों के कब्जे से दो तमंचे देशी और एक सुतली बम बरामद किया। आपसी मारपीट और बमबाजी में जो मुख्य अभियुक्त जग्गा था वो घायल हुआ है, उसके हाथ पे चोट लगी है जिसे ट्रामा सेंटर इलाज के लिए रेफर किया गया। इन दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश वर्ष 2011 से चल रही है और दोनों पक्षों का काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। इसमें से जगनारायण और जग्गा पुत्र श्रीराम के विरुद्ध 9 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं तथा दूसरे पक्ष के राकेश और दरोगा के विरुद्ध 10 अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं। वर्तमान झगड़ा जो हुआ है उसमें भी 6 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं इन लोगों के विरुद्ध तथा आज इनको 325 सामसाइट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में गिरफ्तार करके जेल में।